अस्सलामुअलैकुम जी, आरसीडी फार्म में आप सबका वेलकम है। माशाल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा है और बादल फुल छाए हुए हैं और ये गायें जो हैं वो खाने पीने के बाद रेस्ट कर रही हैं। तो बेसिकली इनका जो फीड टाइम होता है वो मॉर्निंग में भी है और लंच टाइम भी होता है। अभी ये जो कर रही हैं ना, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं जगाली करना। इससे ये होता है कि इनकी जो खुराक है वो हज़म होती है प्रॉपर, और फिर इसके साथ इनका जो मिल्क प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। ये फ्रीजन काउज है, लोकल और जो है बाहर की वो मिक्स हैं, फुली इम्पोर्टेड नहीं है। ये देखें, कैट अपने शिकार की तलाश में, ये अपने शिकार के लिए यानी कि वो कर रही है। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी कैट थी। चलें और हम आपको काउस का अपने बताते हैं, फार्म का सारा यानी कि विज़िट भी करवाएंगे और सारा प्रोसेस भी बताएंगे इंशाल्लाह। पर अब मैं आपको फीड पे लेके चलता हूँ। ये जो कुछ गाय पीछे बैठी थी रेस्ट कर रही हैं और कुछ गाय जो उन्होंने अपना जो फीड खा रही हैं, ये सैलेज है जो ये खा रही हैं। सैलेज बेसिकली हम जो बनाते हैं मक्की की फसल को क्रश करके उसको 40 डेज के लिए डम कर देते हैं ऊपर शापर वगैरह डाल के, और फिर उसके बाद इसका कलर ये इस तरह आ जाता है। ये हाईली प्रोटीन है और इससे मिल्क प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है और गाय की जो है हेल्थ और उसकी जो मिल्क की फैट है वो भी अच्छी होती है। बेसिकली इसमें होता है दाना, ये मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा है तो, इसमें मक्की का दाना होता है जो प्रोटीन का काम करता है और ये गायें के लिए यानी कि बेस्ट फीड है। और इस यानी इसके साथ गाय जो है हैप्पी, जो कहते हैं हैप्पी काउ, वो इसको यूज़ करके होती है। तो ये सारा फार्म है हमारा। तो कुछ गाय जो पीछे बैठ के रेस्ट कर रही हैं और कुछ जो ये फीड कर रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस एग्रीकल्चर से रिलेटेड और दूसरे टॉपिक्स पे भी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। सपोर्ट करें और ज्वाइन करें। थैंक यू।